टीकमगढ़ जिले में उर्वरक खाद की नियमित रूप से कमी बनी हुई है, जिससे किसान समय पर फसल नहीं बो पा रहे हैं, जिससे किसानों को उनकी जमीन की आवश्यकता के अनुसार खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। एक एकड़ में 2 बोरी DAP, 1 बोरी यूरिया खाद डलता है, ऐसा सरकारी नियम है। जबकि अभी किसानों को 10 एकड़ के लिए मात्र 3 बोरी DAP खाद दिया जा रहा है। सरकारी समितियों पर किसानों को खाद उपलब्ध नहीं है, आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के कुछ नेताओं द्वारा खाद की कालाबाजारी की जा रही है, जिससे जो खाद किसानों के लिए आता है वह दलालों द्वारा व्यापारियों को पहले से ही बेच दिया जाता है, जिससे व्यापारियों द्वारा किसानों से शासकीय मूल्य से 1.5 गुना ज्यादा कीमत प्रति बोरी वसूली जा रही है। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। जैसा कि आप सबको विदित है कि जिस प्रकार से खाद के रेट बढ़ाए जा रहे हैं और खाद के लिए खाद की जो कमी दिखाई जा रही है जिले में, उस किसानों को परेशानी हो रही है। हर जगह चक्का जाम लग रहा है और खाद की ये कमी किस कारण से हो रही है, आदरणीय राजपाल महोदय को हमने कलेक्टर साहब के माध्यम से एक ज्ञापन भेजा है और उनसे ये निवेदन किया है इस ज्ञापन के द्वारा कि जल्द से जल्द इस खाद की जो कमी है, जो किल्लत जो दिखाई जा रही है वो क्यों हो रही है और ज़िले में ही, हमारे टीकमगढ़ ज़िले में ही सबसे ज़्यादा ये परेशानी क्यों पैदा हो रही है। आपने देखा अभी जो खाद पहले 1200 रुपये में मिलती थी, अब वो किसानों को 1500-1550 रुपये में मिलेगी, वो भी पर्याप्त खाद नहीं मिलेगी। आप कांग्रेस क्या करेगी? सबसे बड़ी विडम्बना तो ये है कि खाद की मात्रा 1450 तो सरकार ने ही खाद के रेट कर दिए, और आप देख लीजिए जो खाद, जितनी भी खाद यहाँ पर आती है उसमें से आधी से ज़्यादा तो प्राइवेट सेठों के हाथों में दे दी जाती है, जो अपने हिसाब से उसके रेट बढ़ाते हैं और उसकी कालाबाजारी करने का काम कर रहे हैं। आज मैंने एक जगह तो एक किसान ने 1650 रुपये दे के और खाद खरीदी है, मैंने यहाँ तक भी देख लिया। मेरा यही सबसे बड़ा चिंता का कारण मेरे लिए यही है कि जो युवा जैसे तैसे करके नोटबंदी के बाद, कोविड के बाद, जैसे तैसे अपने पैरों पर खड़ा हुआ था, किसानी में भी कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर देख रहा था कि किसानी करके वो शायद कुछ थोड़ा बहुत सक्षम हो जाए, नौकरी वोकरी से तो वो लोग चले ही गए, किसानी से भी उनको जहां लग रहा था कि वो थोड़े से सक्षम हो जाएंगे, तो आज सरकार की इन नीतियों के कारण, इन गंदी गलत नीतियों के कारण, आज तेल का दाम देख लीजिए, आज आप इसी तरीके से DAP यूरिया के दाम आप देख लीजिए, मन चाहे जब बढ़ा देते हैं तो सेठ साहूकारों के हाथ में दे देते हैं और वो लोग अपने रेट से बेचते हैं। आज सारे युवाओं को इसमें, ये लाभ का धंधा नहीं, ये कहीं ना कहीं ऐसा धंधा लगने लग गया है जिसमें सिर्फ उधार लेने का काम बच गया है, और मेरी सबसे बड़ी चिंता यही है कि आज जो युवा हमारा परेशान हो रहा है, जिसके पास आज नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, कहीं ना कहीं किसानी में अपनी जगह देख रहा था, वो किसानी भी ये सरकार उनके हाथ से छीनती जा रही है। और सबसे बड़ा, देखिए आप इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि हर जो 10 एकड़ में, मतलब हर एकड़ में 2 बोरी DAP और 2 बोरी यूरिया की ज़रूरत पड़ती है, खाद की ज़रूरत पड़ती है, और इस समय सरकार द्वारा 10 एकड़ के किसान को सिर्फ 2.5 बोरी यूरिया और DAP दिया जा रहा है। इसमें कैसे किसी की पूर्ति होगी और किस प्रकार से इनकी बोनी होगी और क्या आगे बुंदेलखंड के किसान के हालात होने वाले हैं, ये आप सबके सामने निश्चित रूप से दिख रहा होगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।